Assalamu alaikum student, today our topic of discussion is electric potential at a point due to point charge. Dear viewers, इससे पहले हम electric potential की बात कर चुके हैं कि electric potential क्या होता है कि work done in moving a unit positive charge from one point to another point against the electric field while keeping the charge in equilibrium is called electric potential. तो electric potential की हम पहले बात कर चुके हैं, क्या होता है हमारे पास electric potential V is equal to W over Q. लेकिन यहाँ पे हमें find करना है electric potential at a point due to point charge, कि हमारे पास कोई point charge है जिस point charge की वजह से एक field created है और उस फील्ड के अंदर हमें कोई पॉइंट दिया गया है और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है ये हमें कैलकुलेट करनी है. स्टूडेंट, थोड़ी सी थ्योरी हमने यहाँ पे ऐड की है. कंसीडर अ फील्ड विच इज़ क्रिएटेड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज. एक फील्ड कंसीडर करना है हमने जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्रिएट किया गया है. करना क्या है हमें, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. हमें डेल वी निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. कैन बी यूज्ड ओनली, और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो इक्वेशन है, ये जो हमें हमारे पास इसका फार्मूला है, ये तब ही यूज हो सकता है जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है ये कॉन्स्टेंट रहे. और ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, हमने पढ़ा था ये वो फार्मूला है. तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम तब कैलकुलेट कर सकेंगे जब हमारे पास ई की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी. बट इन दिस केस हमने स्टडी किया कि चूंकि हम दूर जा रहे हैं या हम करीब आ रहे हैं, हम चार्ज से दूर जा रहे हैं या चार्ज के करीब आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है इसकी वैल्यू क्या होती है, ई इज़ इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर. तो इसका मतलब है अगर आर हमारा चेंज हो रहा है तो ये तो वेरी करती है इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. तो जब ये चेंज होगा फ्रॉम द पॉइंट चार्ज तो ई तो हमारे पास वेरी करेगा. इसका मतलब ये है कि हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय यूजिंग दिस फार्मूला. तो हमारा जो ई है ये कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन इन दिस केस ई वेरी कर रहा है. तो ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम है स्टूडेंट. तो इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम कैसे करेंगे, तो इस पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, वी कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस, टू पॉइंट्स, ये ऐसे कह लें टू पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे हम इन पॉइंट्स जो दो हैं इन पे कंडीशन लगा देंगे कि इन्हें वेरी क्लोज होना चाहिए. अब वेरी क्लोज का मतलब क्या है कि जब हमारे पास ये पॉइंट्स वेरी क्लोज होंगे तो फिर जो ए की वैल्यू है उसमें चेंज माइनर होगा, बहुत कम होगा. जो हम कंसीडर कर लेंगे, सपोज कर लेंगे कि वो जो ई का चेंज है वो इतना छोटा है कि हम उसको कॉन्स्टेंट कंसीडर कर सकते हैं. तो ये थी डिफ़िकल्टी. एक बार फिर आप इसका रिव्यू कर लें कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग दिस फार्मूला. बट ये फार्मूला ओनली वैलिड है किसके लिए, जब ई कांस्टेंट हो. बट इन दिस केस ई वेरी कर रहा है, वेरी किसके साथ कर रहा है, इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज. तो इसके लिए हम कंसिडर करेंगे कि वो जो दो पॉइंट्स हैं वो इतने करीब हैं कि उनका डिस्टेंस बहुत, जो उनका गैप है, जो उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है, इस वजह से ई में अगर चेंज है भी सही तो वो इतना कम है कि हम उसको कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं. तो ये थी इसकी थ्योरी स्टूडेंट. एक चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है. अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी. यहाँ हमने एक लाइन ले ली, हमने ये पॉइंट लिए, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है. फ़र्ज़ करें कोई टेस्ट चार्ज मेरे पास है और वो क्यू जो है टेस्ट चार्ज वो यहाँ पड़ा है, वो यहाँ पड़ा है बी पॉइंट पे. अब मुझे ले क्या आना है, आप अगर वही रिकॉल करें कि हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट थी, एक हमारे पास नेगेटिव प्लेट थी, इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव, तो हमने इस पॉजिटिव क्यू को
मूव करवाया था इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब है कि टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी हम इस क्यू को मूव करवाएंगे, जो कि हमारे पास क्यू नॉट है, टेस्ट चार्ज है, इसको मूव करवाएंगे टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज। अब देखें, क्यू नॉट इज़ द टेस्ट चार्ज विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और ये सोर्स क्या है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। इसका मतलब ये कि हमें इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा इसको अंदर लेके आने के लिए। तो फ़र्ज़ करें ये पॉजिटिव सोर्स की वजह से ये जो ए पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो आर ए है, और जो बी तक है वो आर बी है, और इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है डेल वी। स्टूडेंट यहाँ से आपको ये बहुत दूर दूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसे समझ लें कि ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू हम आपको दिखा रहे हैं, ये पॉइंट्स वेरी क्लोज हैं, लेकिन हम आपको इसको ऐसे कह लें कि माइक्रोस्कोप यूज़ करके इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। यहाँ पे अब अगर मैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूँ, जिसको आप मीन डिस्टेंस कहेंगे, तो आर आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पे डेल आर की वैल्यू कैसे निकल सकती है, आर बी माइनस आर ए के बड़े में से आप छोटे को क्या कर दें, माइनस कर दें। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास है, ये होती है। अब वहाँ वो जो फार्मूला जिसकी हम पहले बात कर रहे थे कि हमें फाइंड करना है डेल वी, और ये बराबर था माइनस ई और डेल आर, तो डेल आर तो हमारे पास है, ई बी है, बट ई का यहाँ पे आर आर है, और हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो तो आर ए और आर बी की टर्म में, तो हमें ये आर पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब एक हम क्या करेंगे, एज पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, अगर ये पॉइंट्स वेरी क्लोज हैं तो उसके लिए हम एक अप्रॉक्सीमेशन लेंगे जी स्टूडेंट। तो यहाँ अगर वो वेरी क्लोज टू ईच अदर हैं, सो वी कैन टेक द अरिथमेटिक मीन टू बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। मैथ के चैप्टर सिक्स में, फर्स्ट चैप्टर सिक्स में ये अरिथमेटिक और आपको ज्योमेट्रिक कंसेप्ट मिलता है। तो अरिथमेटिक के आर डिवाइडेड बाई आर ए, और ज्योमेट्रिक के आर बी डिवाइडेड बाई आर। आप ये आर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बाई यूजिंग द कंसेप्ट, आपने चैप्टर नंबर फाइव में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, तो वहाँ पे हमने आर कैलकुलेट किया था, तो आप वो मेथड भी यूज़ करके आर कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये एक डायरेक्ट ट्रिक है जिसकी वजह से हम यहाँ आर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आप वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाएगा, आर ए आर बी। इसको अगर इक्वेशन नंबर वन में पुट करें तो ये हमारे पास है आर ए और आर बी आ गए, ये हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो फार्मूला है ये। यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग होता है, वो पॉइंट आप क्लियर कर लें। स्टूडेंट अगर पोटेंशियल की बात करें तो बॉडी जा रहा है बी टू ए, ए पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा क्योंकि ए वेरी क्लोज टू सोर्स है, और बी पे पोटेंशियल कम होगा। इसका मतलब ये है कि वैसे भी हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो ये हमारा पॉइंट बी था, ये पॉइंट ए था, हम जा रहे थे बी से ए की तरफ, तो हमारा हम माइनस करेंगे वी ए माइनस वी बी, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है, ये कंसेप्ट तो था पोटेंशियल के लिए। अब यहाँ पे आपको बड़ा, आपके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि आप, मैंने यहाँ पे डेल आर की जगह आर ए माइनस आर बी पुट किया, लेकिन जो पीछे मैंने लिखा था वो तो आर बी माइनस आर ए लिखा था। स्टूडेंट वहाँ पे जो मैंने बात की थी वो था डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस, और डिस्टेंस के केस में डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ई एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे समझ लें कि हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, और डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास है दो वेक्टर्स के दरमियान होता है, इन दो वेक्टर्स के डॉट से हमें जो चीज़ मिलने वाली है वो स्केलर है। इसका मतलब ये कि अब ये जो डेल आर है ये वो वाला नहीं है जिसमें हमने आर बी माइनस आर ए यूज़ किया था, यहाँ पर ये डेल आर डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट की एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आप इसी कंसेप्ट से लेके जिस कंसेप्ट से आपने पोटेंशियल लिया है, क्या कि आर ए माइनस आर बी, क्योंकि फाइनल माइनस है इनिशियल। तो ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो डेल आर बी ठीक है, बट वो है जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं फ्राम ओरिजिन, और यहाँ हम वैक्टर की बात कर रहे हैं फ्राम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो ये पॉइंट आर ए माइनस आर बी आप क्लियर कर लें, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आर बी माइनस आर ए हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ई की वैल्यू पुट करें
तो क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो आर की वैल्यू थी आर ए आर बी वो इधर जाके डिवाइड हो गई, तो ये आप इंडिविजुअल डिवाइड कर दें, आर बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर ए कैंसिल हो जाएगा, 1/r a माइनस 1/r b आ जाएगा। अब यहाँ पे, यहाँ तक ये जो हमने स्टेटमेंट कैलकुलेट की है, आप इसको सिंपली डेल वी लिख दें और ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक का टॉपिक कंप्लीट हो गया। लेकिन अब जैसे हमने वहाँ टॉपिक में बात की थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और साथ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, अब अगर यहाँ एब्सोल्यूट का वर्ड ले आएँ तो स्टूडेंट वही सेम कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे कि दो पॉइंट्स हैं, दो में से एक को इनफाइनाइट होना पड़ेगा। हम कहाँ से आ रहे थे, बी से, किधर जा रहे थे, ए पे। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि हम बी से ए की तरफ आ रहे हैं, बल्कि हम ये कहेंगे हम इन्फिनिटी से ए पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, या इन्फिनिटी से एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ बी जो है फिर वो ज़ीरो हो जाएगा, क्यों, हमने इसको इन्फिनिटी कंसिडर कर लिया है। जब बात इन्फिनिटी की आएगी तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यहाँ वी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पे एप्सिलॉन नॉट आर ए आ जाएगा। मैंने वहाँ पे भी आपको ये बात बताई थी, ए और बी 1/r2 उस वक्त लेते हैं जब दो क्वांटिटीज़ को डिफ्रेंशिएट करना हो, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ तो एक ही चीज़ है, तो एक के लिए हम कोई ए या बी यूज़ नहीं करेंगे। ये सिंपल जनरल फार्मूला हमारे पास एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो कि हम कई न्यूमेरिकल वगैरह में यूज़ करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे दो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करने लगा हूँ कि अगर आपके पास कोई एमसीक्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कई दफ़ा पेपर में आता है कि अगर आपके पास कोई एक चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 कूलम है और रेडियस क्या है, डिस्टेंस 1 मीटर है, तो 1 कूलम चार्ज की वजह से 1 मीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होने वाली है, तो ये भी 1, ये भी 1, तो बाकी सिर्फ k बचेगा, और k की वैल्यू क्या होती है, 9×10⁻¹। जब चार्ज 1 कूलम होगा और डिस्टेंस 1 मीटर होगा, उस वक्त पोटेंशियल की वैल्यू होगी 9×10⁻¹ वोल्ट। तो ये आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा। एक और पॉइंट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे ये पूछा जाता है, अगर आपको ये कहता है कि आपके पास रेडियस जो है वो डबल हो गया है, पहले आर था, फर्ज में यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा था, ये प्लस चार्ज क्यू था, और इस क्यू की वजह से यहाँ आर रेडियस पे हम 3 फैक्टर डिस्कस कर रहे थे। कौन कौन से फैक्टर थे, एक थी कूलम फोर्स, क्या होता है फार्मूला, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, एक ये कूलम फोर्स थी। एक हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या फार्मूला होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तो ये दूसरा पॉइंट था जो हम डिस्कस कर रहे थे, और तीसरा पॉइंट था पोटेंशियल, क्या फार्मूला था, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो ये 3 फैक्टर यहाँ आर रेडियस पे हम कैलकुलेट डिस्कस कर रहे थे। अब अगर मैं इस रेडियस को डबल कर देता हूँ तो फिर क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि विच क्वांटिटी इज इफेक्टेड लेस या लीस्ट, कि हमारे पास इन तीनों में से किस पे कम से कम असर पड़ेगा इस रेडियस के डबल होने का, इस डिस्टेंस के डबल होने का। तो स्टूडेंट हमारे पास 3 क्वांटिटीज हैं, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इन तीनों क्वांटिटीज में रेडियस के डबल होने का इफेक्ट सिर्फ किस पे पड़ेगा, कम पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। क्यों, यहाँ आर स्क्वायर है, डबल होने का मतलब ये है कि ये 4r बन जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर है, डबल होने का मतलब 4r बन जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आर है, इसका मतलब है डबल होने का मतलब 2। यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कम इफेक्टेड होगा। अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे पास रेडियस जो है वो डबल हो गया या हाफ हो गया, तो इन तीनों टर्म्स में से कौन सी टर्म लेस इफेक्ट होगी, तो वो टर्म आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो इस टॉपिक के रिलेटेड थे। यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ जुमला जो है वो मेंशन किया हुआ है कि नॉलेज इज़ वर्चू, इल्म एक नेकी है, तो इसको नेकी समझ के, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ये आपके लिए सदका जारी है, ये आप लोगों के लिए नेकी है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर हमारी वीडियोज़ में आपको अच्छी लगती हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।